जापान में तो फिर भी लॉस है ना। जापान में तो कहते हैं हाँ भाई कंडक्टेड हूँ, वही मैंने कहा है भाई मुझे जापान में चाहिए कंडक्टेड हूँ, लेकिन ये है कि ट्रैवल फिर भी बाय ओन। फिर आगे निकल जाएंगे अमेरिका, जैन जी सत श्रीकाल, हुकुम लस्सी वगैरह। दोपहर के करीबन 2:30 बजे हैं और हम लोग मुनीर का दिल्ली से करीबन 370 किलोमीटर चलकर आफ्टर ड्राइंग पर डिस्टेंस ऑफ अराउंड 370 किलोमीटर हम लोग चैल के नज़दीक पहुंच गए हैं। यहां पर हवा काफ़ी ठंडी है, हम लोगों को होटल एकांत विजिबल हो गया यहां से। ये सोलन से 41 किलोमीटर, कंडा घाट से 26 किलोमीटर माइलस्टोन बता रहा है पीछे। दिस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स होटल एकांत। लोग होटल एकांत के बाहर खड़े हैं अभी। ये प्रॉपर्टी है और ये हमारी जो यंग पीपल टीम जो है ये लगातार करीबन 370 किलोमीटर की वन वे स्ट्रेट हम लोग एक उसमें आए हैं। खाली थोड़ा सा रुके थे एक कोल्ड कॉफी पीने के लिए। आज बादरी दिखाई, खास करके कमांडर कमांडर चंद्रा ने, इन्होंने बादरी दिखाई आज। आज इनका बेटा उपल साहब बन गया, मतलब दिस इज ए ग्रेट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। एकांत होटल जहाँ पे हमारा स्टे है उससे बाहर का जो व्यू मैं पैनोरामिक व्यू शूट कर रहा हूँ, ये हम बालकनी के अंदर खड़े हैं। ये आके सैटेलाइट पिक्चर देखे ना, ये चंद्रा अंकल आंटी दे आर अप्रिशिएटिंग दिस प्लेस। ये नीचे हमको ग्रीन हाउसेस भी नजर आ रहे हैं, एक बार इनसे जानकारी लेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर डूइंग। सुबह 9:40 हुए हैं, 7 मई 2017। हम लोग अपना जो एकांत होटल एकांत था स्टे हमारा 6 रात का, इसको छोड़ के निकल रहे हैं नारकंडा के लिए जो यहाँ से करीबन 75 किलोमीटर्स है। रात का मौसम बहुत बढ़िया था, रजाई लेके सोए थे और सुबह हमारे स्टे पर ही उन्होंने हमें ब्रेकफास्ट ऑफर किया। वी हैड पराठास एंड ऑमलेट विद हॉट कॉफी, इट वाज अ रियल फन। एंड नाउ लेट्स होप फॉर अ वंडरफुल डे। ये चायल से नारकंडा जाते हुए ये मुझे कुछ बहुत ही ग्रीन एक पैच नजर आया वैली, हम लोग अभी कुफरी पहुंच गए हैं। बहुत सारे टूरिस्ट और व्हीकल्स यहां पर हमें नजर आए और अभी 11 बजने वाले हैं। कुफरी इज बेसिकली फेमस टूरिस्ट जॉइंट। मतियाना की तरफ जाते हुए मुझे ये कुछ वल्चर्स नजर आए और ये बहुत टाइम बाद मैं वल्चर्स देख रहा हूँ क्योंकि हमारे शहर में तो अभी हमें वल्चर्स मिलते ही नहीं है। नारकंडा पहुंच गए हैं। दिस इज अंकल थ्री वे, यहाँ से हम आगे चले जाते हैं। यहाँ पर है हमारा हिम्स होम स्टे 800 मीटर 800 मीटर
तो पहले मैं आपको अपना होम स्टे दिखा देता हूँ, माय सेकंड होम। राइट साइड में नीचे वैली देखो आप कितनी खूबसूरत है, बहुत बढ़िया है। ये है जी हमारा हाटू वैली होम स्टे। आंटी दिस इज माय हाटू वैली होम स्टे। हम हाटू वैली होम स्टे से देख के अब हाटू पीक की तरफ जा रहे हैं। यह पीक है ना पे, दिस इज द कितनी दूर है? 6 किलोमीटर। दिस इज द रियल फील ऑफ एडवेंचर विच आई एम गोइंग टू गिव टू माई अंकल्स एंड आंटीज एंड आई वुड लव टू सी द रिएक्शंस reactions of fear, phobia or whatsoever it may be. Only have fun, that's all the thing. Turn left onto South Market Road. Continue on Major District Road 15 for 8 kilometers. Have only fun. Right, you turn. Continue on Major District Road 15 for 8 kilometers. बेटा राइट साइड से कैसे बात मनेगी दोस्त? एंटी बॉटल को पीछे रख लेंगे प्लीज थोड़ी देर के लिए बस। जो अभी तक आप घूमे हैं ना अंकल, दोस्त बार नॉट हिल्स। आराम से आराम से। अंकल आप क्यों टेंशन ले रहे हो, यहाँ ऐसे ही चलती है, देखी तो रोक पहले। इसकी माँ भी नहीं आई, इसके बेटे ने सारा करा, वहाँ कोई रिवाज ही नहीं है। इसके बेटे ने ही करा, जो करना है वहाँ पे अपना करो। वो इसको भी कहा, वो पीछे और टर्निंग में थोड़ी जगह है। अंकल यहाँ पे गाड़ी डोल रही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे मैं स्पीड ब्रेक नहीं कर सकता, आप सिर्फ ऐसे से हिल रहे हैं इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। क्योंकि जब चढ़ाई के ऊपर गाड़ी अटक जाती है ना, फिर बहुत समस्या होती है, फिर आपको उतार के पीछे पत्थर लगवा के फिर बढ़ना पड़ेगा। एक बार यहाँ रोकनी पड़ेगी मुझे, ये कुछ अटक गया है। फुटरेस्ट से आवाज आ रही है, देख ले कोई ना, तो क्या आवाज कुछ व्हील पे कुछ ये वो लगे हैं, फुटरेस्ट लगा है ना, लगा होगा, लुक लग गई होगी, लुक लग गई। लगाता तभी मैंने बोला था, वो चिपक गए हुए ना मुझे पत्थर से ना, रुको जब वो लग गई। वो ये घर ले जा रहे हैं, ये लकड़ी वो अटक गई थी उसमें। यस मंजू आंटी, हाँ जी बोलो, दोबारा आना है कि नहीं आना मेरे साथ? कहाँ पर बोलेंगे नहीं, दोबारा आओगे कि नहीं? ये पूछ रहा हूँ दोबारा आओगे कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ।
आएंगे मेरे पापा बहुत रोकते थे कोई ड्राइव कर रहा हो ना ये ना करते थे ज्यादा धीरे से ना उतर रहे थे मैं अगर बाबा जी बंद करके ऐसे आंटी बात ये कि ट्रस्ट तो आपको रखना पड़ेगा क्योंकि जितना आप कहोगे ना उतनी पैनिक होगी उतना समझ लीजिए गड़बड़ होगी सिंपली हैव फन नथिंग विल हैपन कमरलाल सानू वापस जाने किसी होर नाल अच्छा हां कहते हैं किसी होर नाल ये तो वापस ही छोड़ने आ गए किसी होर गए तो हम तो उनके साथ गए थे वापस किसी और के साथ देखा जी स्पीड तोड़ने का नतीजा नहीं सिर्फ आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैंने इसी पर बोला आप लोग बहुत चीजें भूल गए रास्ता है एंड यू नो द सिली थिंग अबाउट दिस व्हीकल इज अंकल द एक्सीलेटर इज इलेक्ट्रॉनिक नीचे नहीं जाना नीचे नहीं जाना यही रहो मैं अपने ये चारों बुजुर्गों को लेके हाटू पीक पहुंच गया हूं और जो चढ़ाई के अंदर जो इनकी हालत थी दैट वाज रियली बैड एंड हियर दे आर ऑन द हाटू पीक बस अब तो आपकी मजबूरी हो गई है अब आप ट्रस्ट को डिस्ट्रस्ट को जो मर्जी कहो ना तो ये जी बेसिकली आ गए हैं और ये बड़ा शुक्र मना रहे हैं कि पहुंच गए हैं और उसको वर्ड और उसको ये डिफाइन कर रहे हैं कि ट्रस्ट किया उन्होंने मुझ पर अब इनकी मजबूरी है हाटू टेंपल के ऊपर धीरे धीरे चलते हुए आ गए हैं और अंदर जाने की इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि सामने थोड़ा सा टूटा फूटा है तो आई सेड ओके यू हैव फन हियर नो प्रॉब्लम इट वॉज रियली ए ग्रेट फन विद ओल्ड एडवेंचर्स विद ओल्ड ट्रेवलर्स दिस वॉज अ ब्यूटिफुल एंड अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी a picture in with the background of our temple and they were also finding place to sit so I hope believe they are happy now peak Hattu temple se hum log wapas aa rahe hain we are going to drive back to Chal अंकल में तो बहुत गया है Thank you.
this is on this road, even two small cars cannot cross each other. I gave him way, but he couldn't do it. The comments of my fellow passengers are all result of their fear, results of which are coming out, their expressions coming out of their sheer fear, their appreciation and what not. जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं है सर, जब बना के भेजूंगा ना पीडी वाली आपको मैं, फिर आपको और मजा आएगा। अच्छा, जब ये बना के भेजूंगा ना वीडियो, वीडियो अच्छा, अच्छा वीडियो ये यहाँ जाना पड़ेगा, उनको पीछे जाना पड़ेगा। मैंने चाहता था बेवकूफ़ नहीं करना।
आप लोगों को थोड़ा पीछे ही करना पड़ेगा, वहाँ जगह है साइड में, लेफ्ट साइड में देखिए पीछे जहाँ वो खड़ी हैं दोनों गाड़ियाँ। जो आपके राइट पे स्पेस है वहां पर आप गाड़ियों का लगा लीजिए, आराम से निकल जाएंगे सब लोग आपके अपने स्पेस में राइट साइड। वो हम दो है वो तीन है। मैंने नंबर नहीं कहा, मैंने कमी की कमी नहीं है। मेरा गल एक ढूंढो हजार में हजार में ढूंढने के जो एक को भी ढूंढने के दिस इज हाउ द ड्राइविंग मोमेंट इज हियर। नहीं कोई अगर कोई ड्राइवर होता ना वो कर देता है। ड्राइवर लोग एक्सपर्ट होते हैं ना कर देते हैं। हमारे पीछे भी गाड़ी है थोड़ा सा आप नीचे झांक लो अपनी तरफ, कितने फिट जगह है बस इतना बता। मैं उतर देख रहा हूं। नहीं इनको नहीं, इनको बोल दो, इनको बोल दो, उनको बोल दो, दो तीन फिट है वैसे। दो फिट है। बेटू आप एक बार ना उधर का मेरी जगह देख लो, मैं अंदर ले लेता हूँ गाड़ी को। शायद ये कटेगी भी नहीं, इसके लक्षण में डर लगने का। उधर का देखना पड़ेगा कितनी जगह है। सिर्फ सिर्फ लेफ्ट को देखो, यहाँ की फिक्र मैं कर लूंगा, वहां देख लो। गॉड ब्लेस यू। This is how we have managed to. Thank you, beta. God bless you. Khush raho. ये हम जैसे तैसे करके लेकिन ऐसी सिचुएशन में देखा कॉपरेशन बहुत बढ़िया होता है। सब 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 बहुत बढ़िया कॉपरेशन। कोई जट आदमी नहीं था दिल्ली में जो हो तो एक अड़ जाते हैं एक इंच भी नहीं हिलाते, एक इंच नहीं का। वो कार बंद करके निकल जाएंगे। तू मुझे जानता नहीं मैं कौन हूँ। स्टैंडर्ड फ्रेज। अभी मैं फोन लगाता हूँ आपको गाड़ी से आगे सड़क। ये सड़क पहुंच के दम दूंगा नहीं तो गालियां पड़ेंगी मुझे। यार ये आपका फाइल मैंने अभी बोला ना अंकल, पूरा लॉक बना रखा है मैंने इस गाड़ी का, घर भी दफ्तर भी, खरीदने से लेके अभी इतने नहीं। लॉक बुक आंटी इसकी लॉक बुक सब ठीक है। आप उसको देखोगे आपका आपको कैसा लगेगा, अजीब सा कि कोई ऐसे भी करता है इस दुनिया में। ये तो मान गया यार, जो लोग हाथों ऐसे तक कितने बुजुर्गों को ले जा सकता है वो सिस्टमेटिक ना हो जाए। उसका हार्ट वही रहा। हाँ जी आंटीज एंड अंकल्स
I hope your fear is no less. Now can I go a little faster? मैंने आपकी परमिशन मांगी है। नहीं मैंने तभी तो पूछा आपसे कि कैन आई गो लिटिल सो दैट यू नो ना ओनली इंटेंशन इज यू डोंट रीच वेरी लेट फॉर दैट इंटेंशन जो चुके हैं उनका छुपिया सर जितना ज्यादा खेलने से ठीक है जिंदगी में आराम के बराबर कोई चीज नहीं। पूरी ट्रिप के दौरान मेरे अंकल्स एंड आंटीज मुझे डिस्करेज कर रहे थे नाइट ड्राइविंग के लिए और वो भी एक्सपीरियंस हो गया आज क्योंकि अभी हम सुबह करीबन 9 बजे निकले थे और 9 बजे के बाद ही हम वापस पहुंचेंगे। अभी हम चाल की तरफ जा रहे हैं। ये टोटल जो यहाँ का घुप अंधेरा है सड़क के ऊपर कोई किसी तरह की लाइट नहीं है। ट्रैफिक बहुत कम है। क्या बहुत कम है? ट्रैफिक हाँ ट्रैफिक तो खैर बहुत ही कम है।